हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हैव टू डिस्कस ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की हम स्टार्ट करेंगे कि ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें क्या पढ़ा जाता है। तो ज्योमेट्री आपकी बिल्कुल जो लाइंस हैं, कोई शेप है, कुछ सॉलिड्स हैं या कोई सरफेस है, तो वो चीज़ें जो आती हैं वो आपकी ज्योमेट्री में आती हैं। लाइक एज जैसे आप देखोगे कि आपने कोई लाइन है या आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी, जैसे बॉल है या कोई और सॉलिड है, ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स है, ये सब क्या है कि एक ज्योमेट्री में ही आते हैं सब। इनके कुछ एज होती हैं, वर्टेक्स, वर्टिसेस, फेस, ये चीज़ें इनकी होती हैं। तो आप बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो सबसे पहले होते हैं पॉइंट। अब कोई भी जैसे एक आप डॉट लगा लिया, तो इसका क्या है कि जो पॉइंट है, पॉइंट को हम बिल्कुल एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो पॉइंट होता है, इसका कोई भी साइज नहीं होता है। तो आप जैसे आप लगा सकते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है ए, या इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बी, सी, या लाइक कुछ भी। तो इसके बाद जो पॉइंट है, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो इन पॉइंट्स को मिला के आगे बनती है एक लाइन, यानी कि डॉट डॉट, मतलब छोटे छोटे डॉट मिलेंगे तब जाके एक लाइन बनेगी। तो ऐसे ये आपकी होगी एक लाइन, यानी कि जो लाइन है वो दोनों साइड चलती जाएगी। यानी कि हम लाइन को नाम दे सकते हैं, यह है लाइन ए बी। और इसको कैसे दिखाएंगे, लाइन ए बी, इस लाइन का नेम हम कैसे दिखाएंगे, ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर ये दिखाएंगे। तो इसकी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि लाइन क्या होता है। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती है, वी कैन नॉट मेजर इट, इसको मेजर नहीं कर सकते कि इसकी लेंथ कितनी है। यानी कि जब ये ख़त्म ही नहीं होगी, दोनों साइड, एरो का मतलब है कि दोनों साइड चलती जाएगी, इस साइड भी चलती जाएगी और इस साइड भी चलती जाएगी, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो जब जिस चीज़ का कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको मेजर नहीं कर सकते, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लाइन। इसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है कि इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट है, यानी कि इसकी जो लेंथ है ये फिक्स है। इसके क्या है, टू एंड पॉइंट है, फिक्स लेंथ है, वी कैन मेजर इट, इसको हम मेजर कर सकते हैं कि इसकी जो है लेंथ कितनी है। हम स्केल के साथ इसको मेजर कर सकते हैं, मान लीजिए हम स्केल के साथ इसको मेजर करके देखते हैं, इसकी लेंथ आ सकती है 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, जो भी आप देखोगे स्केल के साथ। तो ये होता है आपका लाइन सेगमेंट। अब जितनी भी शेप आपकी बनेंगी वो आपकी लाइन सेगमेंट से ही बनती हैं। या आप देख सकते हैं कि कोई ट्रायंगल आप बनाओगे, तो उसकी जो साइड है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है ए बी, बी सी या ए सी, तो इनकी लेंथ फिक्स होती है। तो इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट हो गए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी ये भी इसका एक लाइन सेगमेंट है, ए सी ये भी इसका एक लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट्स को मिला के ही आपके जो शेप्स हैं ये बनाई जाती हैं, या इनको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन जितने भी हैं वो लाइन सेगमेंट का यूज करके ही बनाए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या होता है। एक होती है इसमें रे, लाइन सेगमेंट के बाद आप क्या आती है, रे, रे यानी कि एक इसका एंड पॉइंट होगा, तो ये एक साइड चलती जाएगी। यानी कि जब जो चीज़ चलती जाएगी, यानी कि जिसका कोई एंड पॉइंट एक ही एक साइड वो चलेगी, तो उसकी भी फिक्स लेंथ नहीं हो सकती, इसको अभी हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसको भी शो कैसे करेंगे, जैसे ये इसका नेम है ए बी, तो उसको हम दिखा सकते हैं ए बी ऐसे, एरो का साइन इस पर लगा सकते हैं ए बी, यानी कि ए से बी की साइड ये एरो है और ये
रे है, इसको हम नाम देंगे रे नॉट। इसकी भी जैसे लाइन सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट में आपने क्या था कि टू एंड पॉइंट हैं, तो इसमें इसका वन एंड पॉइंट है। फिक्स लेंथ थी लाइन सेगमेंट के, लेकिन जब ये ख़त्म ही नहीं होगी तो इसको, तो इसकी लेंथ है वो फिक्स नहीं हो सकती, तो लेंथ फिक्स नहीं है, और जिसकी लेंथ फिक्स ही नहीं है तो उसको मेजर भी हम नहीं कर सकते, तो इसको हम बोल सकते हैं रे। ऐसा जैसे लाइन सेगमेंट का हमने नेम दिया था, तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, ए बी इसको ऊपर ये लगाएंगे, इसका इससे हम पता चलेगा कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, या इसको हम बी ए बी लिख सकते हैं। ऐसे ही लाइन में था, ए बी लाइन है, इसको हम बी ए लिख सकते हैं ऐसे कि बी ए एक लाइन है। लेकिन जो आपका रे है इसको हम नहीं लिख सकते कि ये बी ए है, क्योंकि जो एरो आपका वो ए से बी की साइड जा रहा है, तो ये इसमें गलत होगा आपका। तो आज के लिए आप इतना ही, तो जैसे आपको क्वेश्चंस किस टाइप से मिलेंगे, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाएगा पॉइंट पी से क्यू तक, बोलेंगे इसका नेम बताओ, आपकी नेम क्या है, तो एक आप देखोगे इसके दो एंड पॉइंट है, तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट को हम कैसे शो करते हैं कि ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, और ये इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो आप इसको क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो आज आप इतना ही करेंगे, और जैसे आपको कुछ शेप मिलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था एग्जांपल ए बी सी का, जैसे यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखे थी, ट्रायंगल में कितने आपको ये लाइन सेगमेंट दिखे थे, ऐसे ही आपको कुछ शेप मिल सकती हैं, जैसे आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया ए बी सी डी, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है, और ए डी एक लाइन सेगमेंट है, तो ऐसे ही आपको मिलेंगे। अभी मैं बुक में से कुछ आपको दिखाता हूँ, अभी जैसे मेरे पास ये बुक है, तो इसमें आप देखोगे कि लाइन सेगमेंट कहाँ कहाँ पे इसमें होंगे, तो इसमें दिया है काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन ईच फिगर, तो इसमें आप देखोगे एल एम एन, तो इसमें एल एम एक लाइन सेगमेंट है, एल एन एक लाइन सेगमेंट है, और एम एन एक लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही आपको दिखेगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड और जेड यू, या यू जेड भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कितने लाइन सेगमेंट होगा इसमें, इसमें होंगे आपके सिक्स लाइन सेगमेंट। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। धन्यवाद, अगर कोई डाउट आता तो आप पूछ सकते हैं।